नमस्कार, मैं प्रियांशा लाजरस और आप देख रहे हैं न्यूज प्लस 21। आइए एक नजर डालते हैं दिन की 10 खबरों पर। रायपुर में सड़कों पर उतरे भाजपाई, कालीबाड़ी से शुरू हुआ पैदल मार्च। जांजगीर में एडिशनल एसपी घायल, बीजेपी नेता गिरफ्तार। कोविड टीका लगने के बाद ओमिक्रॉन संक्रमित लोगों का इम्यून बूस्टर डोज से बेहतर, रिसर्च में हुआ खुलासा। ज्ञानवापी मस्जिद कमेटी सुप्रीम कोर्ट पहुंची, सर्वे के खिलाफ कल होगी सुनवाई। सीएम केजरीवाल बोले, 63 लाख मकानों पर बुलडोजर चलाना चाहती है भाजपा। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी का कांग्रेस पर हमला, बोले पार्टी की रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया। कपास की कीमतों पर स्टालिन ने पीएम मोदी को लिखा पत्र। यूक्रेन के पूर्व प्रोफेसर का पासपोर्ट समेत अन्य दस्तावेज चोरी, मिस्टर जर्सी धरने पर बैठे। बुद्ध पूर्णिमा पर नेपाल पहुंचे पीएम मोदी, महामाया देवी मंदिर में की पूजा अर्चना। कर्नाटक में महिला वकील को थप्पड़ और लात मारने वाला गिरफ्तार। अमिताभ ने सुबह 11:30 बजे सोशल मीडिया पर लिखा सुप्रभात, यूजर्स ने किया ट्रोल तो एक्टर ने दिया करारा जवाब। ऐसे ही जानकारियों के लिए देखते रहिए न्यूज प्लस 21, आपके हक की बात।